नमस्कार, मैं इस वक्त जिला अधिकारी कार्यालय के सामने मौजूद हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी का एक विशाल कार्यक्रम आरक्षण को लेकर है। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता आज इस अंबेडकर संस्थान के सामने मौजूद हैं। इनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, भारत बंद को आह्वान किस लिए है, आइए बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भारती से। क्या है आज का मीटिंग, क्या है आज की बैठक, क्या आज की प्रदर्शन क्या है? आज का जो कार्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। बहुजन समाज पार्टी इसका नेतृत्व कर रही है। आज एससी एसटी आरक्षण में जो वर्गीकरण हुआ है, जो कहीं से माननीय उच्च न्यायालय को जातियों में जातियों को बांटने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको फर्केट किया है। दूसरी तरफ हम लोग भारत देश के लोग, भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो धारा जो अनुच्छेद 341 और 42 है तो उसमें संशोधन करने का जो है कि न्यायपालिका का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने किया है। हम मांग करते हैं, ये भारत सरकार से भी करते हैं, हम न्यायपालिका से भी कहना चाहते हैं कि इस तरह के जो निर्णय हुए हैं, जो जातियों में जातियों को बांटा गया है, तो इसको वापस ले और भारत सरकार, इस देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, हम उनसे भी यह कहना चाहते हैं कि आज जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं। अभी तो तमाम लोगों ने ये कहा है, हमारे नारे लग रहे हैं, कार्यकर्ता साथी नौजवानों ने यह नारा दे रहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। चूँकि अगर वो इस देश के पार्लियामेंट में, अभी हमारी नेता ने भी इस बात को कोट किया था कि अगर वो ला करके नया अध्यादेश ला करके उसको सही तरीके से जैसा है वैसा करके उसको नौवीं अनुसूची में अगर डाल देते हैं तो हम कहीं से उनके विरोधी नहीं है, उसमें सबका हित है, सबका सम्मान है और संविधान का सम्मान है, तो हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम आज है। अम्बेडकर संस्थान के सामने हजारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। उनकी जो मांग है आपने ओम प्रकाश भारती को सुना। उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।